स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने लेकर फिर से हाजिर हूँ चैप्टर टू यानी सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट फोर वीडियो। इसके पहले मैं पार्ट थ्री वीडियो बना दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 तक सोल्व कर दिया है, बेसिक कंसेप्ट बता दिया है, फॉर्मूला सारा लिखा दिया है। यदि आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो कर क्या रहे हैं, जाइए प्लेलिस्ट में देख कर आइए, प्लेलिस्ट में जाइए देखिए, जिसका नाम लिखा हुआ है चैप्टर टू, वहां पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अब आपको वीडियो कैसे देखना है, सबसे पहले पार्ट वन वीडियो को देखना है जिसमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताया गया है, उसमें फॉर्मूला भी महत्वपूर्ण सूत्र भी बताए गए हैं। इसके अलावा पार्ट टू देखिएगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक आपको मिल जाएगा। उसके बाद पार्ट थ्री देखना है आपको जिसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक बताया गया है। और आज इस पार्ट फोर में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 10 से। इसके अलावा मैं आपके इस बार के एग्जाम में, मानी इस बार जो स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए तो मैथ में काफी इजी कर दिया हूं, काफी चैप्टर मैंने सोल्व कर दिया। क्षेत्रमिति जो एक अहम रोल प्ले करने वाला है, उसमें से जो 4 चैप्टर आने वाले क्षेत्रमिति का आपका 4, 8, 12, 16, उसमें से मैंने 3 चैप्टर सोल्व कर दिया है जो बहुत ही जिसमें पेचीदा वाले सवाल होते हैं, काफी प्रॉब्लम करने वाले सवाल होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट सवाल जो होते हैं एग्जाम में बार बार टच करता है, उसको मैंने 3 चैप्टर सोल्व किया हूं। 1 चैप्टर बचा हुआ है उसको भी मैं सोल्व करूंगा जो चैप्टर नंबर 4 है। 8, 12 और 16 का मैंने एक एक सम सोल्व किया। यदि आप नहीं देखे हैं तो कर क्या रहे हैं, प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए और अपनी तैयारी को और स्ट्रांग कीजिए। और इस बार मैथ में 90 से 95 तक नंबर आना ही चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट आपके ऊपर मेहरबान है और मैं भी आपको हेल्प कर रहा हूं। एकदम आपको देखना है, यदि किसी भी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके बताना है कि सर ये सवाल प्रॉब्लम हुआ मुझे, मैं फिर से उसे किसी वीडियो में जरूर बता दूंगा, ये मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं। अगर इतना काम मैं कर रहा हूं आपके लिए तो उतना मैं जरूर करूंगा, ठीक है। आप जानते हैं कि मेरा जो वीडियो शुरुआत होता है एक क्वेश्चन के साथ शुरू होता है जो आपका मैथ के अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट से जुड़ा होता है, तो जो मेरा पिछले वीडियो का प्रश्न था यानी क्वेश्चन था उसका सही जवाब तो हमें मिला हाइड्रोजन, लेकिन कुछ स्टूडेंटों में काफी कंफ्यूजन रहा, लेकिन फाइनली उन्हीं ने आंसर दिया। और सबसे पहला जो कमेंट आया हमारा दीपक कुमार रॉय का आया, सबसे पहला कमेंट किसका मिला, दीपक कुमार रॉय को कंग्रेचुलेशन, ये टॉप आ गए हैं, इनको बहुत बहुत बधाई हो इनके उज्जवल भविष्य के लिए। मैं आशा करता हूं कि ये बहुत अच्छा स्कोर करेंगे अपने एग्जाम में, काफी सिंसियर है ये, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, ये तीसरी वीडियो में मैं इनको देखा हूं। दो नंबर कमेंट पंकज रॉय का आया है, पंकज रॉय क्लास 9 का स्टूडेंट है और 10 की तैयारी अभी से शुरू कर दिए है, इनका तो भविष्य उज्जवल होने वाला ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता। और सोनू कुमार 3 नंबर पर है, सोनू कुमार भी कंटिन्यू अभी दिख रहे हैं, बीच में गायब हो गए थे बट अभी इनका कमेंट आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं ये चैनल पे कुछ विजिट कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, इनके उज्जवल भविष्य का भी मैं कामना करता हूं, अच्छे से अच्छे स्कोर लाए और ये क्लास 10 के स्टूडेंट है। मैं आप लोगों से और एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए हमारे चैनल पर लगभग 450 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, यानी 448 सब्सक्राइबर है हमारे चैनल पर, तो मुझे और भी सब्जेक्ट कुछ पढ़ाने की इच्छा है, जैसे आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लाइफ या फिजिकल, मैथ के अलावा हिंदी या इंग्लिश, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो 448 अभी प्रेजेंट हमारे सब्सक्राइबर है उसमें से कितने स्टूडेंट क्लास 10 के हैं। अब लोग सर आपको कैसे पता चलेगा, आपको कमेंट जो करना है आप कमेंट करके बताओगे ना कि सर क्लास 10, बस आपको लिख देना है सिर्फ क्लास 10, मैं काउंट कर लूंगा कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्लास 10 के हैं। यदि मुझे लगभग 40 या 50 स्टूडेंट्स ऐसे मिल जाएंगे जो मैं देखूंगा कि वो क्लास 10 के हैं या इस बार एग्जाम देने वाले हैं या 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, तो मैं जरूर से जरूर अदर सब्जेक्ट को भी लेकर आऊंगा जो आपको काफी हेल्प करने वाला है, जिस तरह से आपको मैथ हेल्प कर रहा है।
तो चलिए आज के प्रश्न को आप लोग सुनिए, और ये जो प्रश्न है आपके इतिहास विषय से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, कमेंट जल्द से जल्द कीजिएगा ताकि आपका नाम मैं अगले वीडियो में अनाउंस कर सकूं। सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, मिराद उल अखबार के संपादक कौन थे? फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा, मिराद उल अखबार के संपादक कौन थे, कमेंट करके बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जब एक बार एग्जाम दे रहा था रेलवे का, तो उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से मेमोराइज करना है आपको, इन फ्यूचर भी ये काम जरूर देंगे, तो आपको कमेंट करके बताना है। चलिए हम आज के 10 नंबर जो हमारा प्रश्न है उसको देख लेते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन बोल क्या रहा है और उसको कैसे हम सोल्व करेंगे बहुत इजी से। बोला है कि यदि 292 रुपए का एक दिन का ब्याज 5 पैसा होता हो तो प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज ज्ञात करें। ब्याज दर, यानी हमें क्या निकालना है, ब्याज दर निकालना है। तो देखिए इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, सबसे पहले 292 लिखा है, तो 292 यानी हमारा ये क्या है, मूलधन है। पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ के डिसाइड करना होगा कि इसमें मूलधन कौन है, ब्याज कौन है, समय कौन है, जिसके लिए मैं ट्रिक बताया हूं। यदि आप नहीं देखे तो जाइए प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा। जो बेसिक कंसेप्ट वाली वीडियो आप देखिएगा चैप्टर 2 का, प्लेलिस्ट का नाम सुनिए ध्यान से, चैप्टर 2, उसको क्लिक करके देखना है, बेसिक कंसेप्ट वाला वीडियो को देखना है। उसमें आप आसानी से, जितने भी बड़ा सम्स है आप आसानी से समझ जाइएगा कि इसमें से दर क्या है, समय क्या है और मूलधन क्या है। फिर आपके लिए सवाल नहीं रह जाएगा, ये बहुत ही आसान हो जाएगा, इसे आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ये जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के प्रश्न जो है देखिए दिया है, तो ये जो ये मूलधन हो गया, लिख दिए चूंकि मूलधन। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को प्रॉब्लम भी होता होगा कि सर कहीं पर चूंकि का इस्तेमाल करते हैं, कहीं पर इसलिए का इस्तेमाल करते हैं। यदि आप इसको लेके कंफ्यूज है तो आज आपको कंफ्यूजन में दूर कर देता हूं। देखिए जो सवाल में दिया रहता है, जो डाटा सवाल में दिया रहता है उसे हम लोग क्या कर देते हैं, चूंकि कर देते हैं, और जो डाटा हम लोग निकालते हैं दिए गए डाटा से, जो डाटा हम लोग निकालते हैं उसको हम लोग क्या कर देते हैं, इसलिए कर देते हैं। तो ये जो दिया गया है इसलिए मैंने इसको चूंकि लिख दिया, ओके आप समझ गए होंगे। अब यहां से मैंने इससे रिलेटेड अगर मुझे कुछ इसकी हेल्प से निकालते तो हम इसलिए करते, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यूज करूंगा तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा। फिर मैंने मूलधन बराबर 292 लिख दिया, और वहां पर देखिए ब्याज लिखा हुआ है, वो क्या लिखा हुआ है, चूंकि तो ब्याज, तो ब्याज बराबर हमारा लिखा हुआ है 5 पैसा। क्या लिखा हुआ है, 5 पैसा। 5 पैसा को हमें रुपया में बनाना पड़ेगा, रुपया में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला दिया गया है वो रुपया में काउंट होता है, पैसा में नहीं। इसलिए इस 5 पैसे को रुपया में बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 100 से भाग करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 रुपये में कितना पैसा होता है, 100 पैसा। इसलिए 5 पैसे में कितना रुपया हो जाएगा, तो 100/5। अगर इसको हम तोड़ते हैं, कट करते हैं, तो ये कितना आएगा, 1/20। आप जान ही रहे हो 1/20 ये रुपया हो गया, ओके। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक दिन, देखिए यहाँ पे दिन दिया हुआ है, यहाँ पर एक लिखा हुआ है, एक यानी एक दिन, यानी चूंकि समय बराबर हमारा क्या मिल गया है, समय बराबर एक दिन मिला है। अब दिन को भी हम वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, इसका भी मैं रीजन बार बार बताया हूं, फिर से एक बार रिपीट करता हूं, हम इसे वर्ष में इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि हमारा फॉर्मूला जो किसको एक्सेप्ट करता है वो वर्ष को मानता है, दिन को नहीं मानता है। इसीलिए मंथ रहता है या दिन रहता है तो उसे हम लोग वर्ष में कन्वर्ट जरूर करते हैं। तो चलिए मैंने इसको वर्ष में कन्वर्ट करने के लिए 365 से भाग कर दूंगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन होता है। अब दिन को वर्ष में कन्वर्ट करना है तो 365 से ही भाग देना होगा, तो ये फाइनली क्या आया, 1/365 वर्ष आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, दर निकालना है। अब इसलिए देखिए ये जो डाटा दिया गया था, जो मैं क्वेश्चन से ही लिखा हूं, तो इसके लिए मैंने चूंकि का इस्तेमाल किया, लेकिन अब यहां से हम इसलिए का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि दर इस दिए गए डाटा से, एक नया डाटा हमें निकालना है, इसलिए का इस्तेमाल। तो दर बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100
बटा मूलधन गुणे समय। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आप कैसे कर रहे हो। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा बेसिक कंसेप्ट का वीडियो को देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए स्टेप बाय स्टेप। ये आप पहले मत देखिए, स्टेप 1 2 3 उसके बाद ये पार्ट 4 देखिएगा। ओके आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा एकक सम्स। अब चलिए हम ब्याज के जगह पर क्या रख देते हैं, ब्याज हमारा कितना है 1/20 है, गुणे क्या कर दिया मैंने 100 बटा मूलधन हमारा कितना है 292 गुणे और समय हमारा कितना है 1365। ठीक है तो देखिए ये बड़े बटा के ये एक बटा ये बटा ये सब जो दिया गया है इसको हम लोग दूर कर लेते हैं। चलिए इसके नीचे 1 दे दिया मैंने। अब इसको कैसे हम कर लेंगे, बहुत आसान है, 1/20 लिखिए गुणे 100 लिखिए, फिर ये जो बड़ा बटा दिख रहा है ना ये गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, गुणा में। अब देखिए इसके नीचे क्या है, अब ये ऊपर चेंज हो जाता है बदल जाता है, यानी 1/365 है तो ये क्या हो जाएगा 365/1 गुणे और ये चेंज होकर क्या हो जाएगा 1/292। और आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको कट करना है जल्द से जल्द। तो देखिए ये इससे कट हो गया 5/10 में यानी 5 दान में कट हुआ और ये दोनों किससे कट होगा, ये दोनों 73 से कट होता है। किससे कट होता है 73 से। इसके अलावा आपको इसका काटना बहुत मुश्किल होगा तो डायरेक्ट इसको किससे काटिएगा 73। अब बोलोगे सर आपको कैसे पता 73 से ही कटेगा, क्योंकि हम लोग कहां से सोचते हैं, एक सोचते हैं दो सोचते हैं सॉरी एक तो सोचते हैं सॉरी यानी दो से शुरू करेंगे 3 से 4 से 5 से तब इसको काटेंगे। आप डायरेक्ट में 73 में चला गया, बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो गया, पिछले 8 साल से इसी को बना रहा हूं मुझे पता है। आपको भी इसे थोड़ा रिमेम्बर लर्न कर लेना होगा, ये मैं देखा था एक बार एग्जाम में ये आया था ये सवाल, तो इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, मैं सीरियसली बोल रहा हूं आया था आपके बोर्ड में ये सवाल। तो देखिए इसको कट करेंगे 73 से तो ये 5 दान में कटेगा और ये 4 दान में कटेगा। अब सबको गुणा करोगे तो 5 5 गुणा ऊपर में क्या हो गया, चलिए इधर लिख देता हूं 25 हो गया। अब भाई नीचे में 4 बचा है 4 हो गया, इसको हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 6.25। अब भाग करके देख सकते हो इतना प्रतिशत हो गया। तो यही जो पूछा था कि ब्याज दर, तो हम लिख देंगे इसलिए ब्याज दर, इसलिए देख आपको आंसर लिखना है ब्याज दर बराबर 6.25, ये हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है आप इसे देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि चैनल ग्रो कर सके हमारा। चलिए चलते हैं, अब इधर 11 पर आ चुके हैं और बिना वक्त गवाए हुए इसको बहुत जल्द 2 से 3 मिनट में इसे हम लोग सोल्व कर लेंगे। आप टाइम देखते रहिए, बस क्या लिखा हुआ है कि 8% वार्षिक सरल ब्याज की दर से, यहां पे प्रतिशत की चिन्ह आ गया यानी दर, यानी क्या हो गया 8%। मैं बताया था कि दर के लिए क्या होता है 8%, चूंकि का चिन्ह देना है। ब्याज की दर से कितने वर्ष में 600 रुपए का ब्याज, यानी चूंकि 600 रुपये क्या हो गया मूलधन हो गया, मूलधन यानी 600 रुपया हो गया। ओके और इसका ब्याज यानी चूंकि इसका ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज दिया है 168 रुपया दिया हुआ है। हमसे पूछा है कितने वर्ष में, यानी इसके टाइम पूछा है, समय पूछा है हमसे, तो समय बराबर क्या हो गया ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 मूलधन गुणे दर, सॉरी मूलधन गुणे क्या है दर होगा, थोड़ा स्पीड जाना है। ब्याज कितना है इसका 168 गुणे 100 बटा मूलधन कितना है 600 गुणे दर कितना है 8, ये 2 जीरो से 2 जीरो काटा, इसको इससे काटा मैंने 8 2 16 8 1 8 यानी 21/6 आया, इसको फिर काटा 3 से 7/2 आया, इसको कट कर सकते हैं सही बटा में लिख दीजिए 3 से 1/2 वर्ष, ये आपका आंसर हो गया। ओके देखिए हमने कि कितने स्पीड मैंने बनाया, इसलिए समय बराबर कितना हो गया 3 से 1/2, ये आपका आंसर हो गया। ये वर्ष में वर्ष लिख दीजिए, लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कंप्लीट हो गया आपका ये सवाल, मुझे लगता है कि 2 मिनट में बन गया होगा, हाँ बन गया है लगभग 2 से 2.5 मिनट में। चलिए चलते हैं सवाल नंबर 12 है, इसको भी हम लोग बहुत जल्द से जल्द बनाने वाले हैं जैसे पिछले सवाल को बनाए थे। नहीं वैसे नहीं बनाऊंगा, मजाक था भाई, उतना स्पीड बनाने लगूंगा आपको समझ में नहीं आएगा। मैं ठीक आपको बताऊंगा,
बहुत आसानी से बताऊंगा, बहुत इजीली आप समझोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। देखिए, यदि किसी बैंक से मुझे 10%, देखिए 10 के बाद ना ये जो इस तरह करके प्रतिशत का चिन्ह आ गया ना, ये दर हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। जो जो आपको डाटा मिल रहा है लिखते जाना है, दर हो गया 10%। 10% वार्षिक सरल ब्याज की दर से 800 रुपया जमा किया। मैंने बोला हूं कि अगर कोई चीज जमा किया जाए या ऋण लिया जाए वो क्या होता है, मूलधन। चलिए मूलधन में मिल गया आपको, क्योंकि मूलधन बराबर क्या हो गया, 800 रुपया। उसके बाद देखिए, जमा करने पर मिश्रधन के रूप में 1200 रुपया प्राप्त होता है। मिश्रधन लिख ही दिया है तो हमें सोचना क्या है, मिश्रधन मैंने लिख दिया, मिश्रधन बराबर 1200 रुपया। ओके, तो मैंने बैंक में कितना समय के लिए पैसा जमा किया था, यानी टाइम हमसे पूछा है। क्या पूछा है, टाइम। और टाइम का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, ब्याज गुणे 100, मूलधन गुणे दर। तो देख रहे हैं यहां पर आपको दर मिल रहा है, यहां पर आपको मूलधन मिल रहा है, लेकिन ब्याज नहीं मिल रहा है आपको। क्या हो रहा है, ब्याज नहीं मिल रहा है। सोचिए सोचिए आपको ब्याज कैसे मिलेगा, खूब आसानी से मिल सकता है। यहां पर एक क्लू भी दिया गया है, देखिए मिश्रधन दिया हुआ है और मूलधन दिया गया है, यानी प्रिंसिपल दिया गया है और अमाउंट दिया गया है। जब हमें इंटरेस्ट चाहिए तो हम क्या कर लेंगे, इसलिए यहां से हम निकाल सकते हैं ब्याज बराबर क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी आपका मिश्रधन कितना दिया गया है, 1200 रुपया, और मूलधन कितना दिया गया है, 800 रुपया, और ये दोनों घटके क्या हो गया, 400 रुपया, यानी ये इसका क्या आ गया, ब्याज आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, समय निकालना है, इसलिए समय बराबर आपको पता है फॉर्मूला, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर हो गया। तो चलिए ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज आपका 400 रुपया मिल गया, गुणे 100, मूलधन कितना है 800 हो गया, और दर कितना आ गया है, दर आपको मिला है 10। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है, कट करो, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर यहां पर 1 जीरो से 1 जीरो, ये इससे कट गया 2 दान में, ये इससे कट गया 5 दान में, यानी फाइनली आंसर आया 5 वर्ष आ गया। ठीक है, 5 वर्ष, इसलिए क्या बोला है ना, तो मैंने बैंक में कितना समय के लिए पैसा जमा किया था, बस लिख दो यही ना, मैंने देख देख कर, मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कितना आसान है आंसर लिखना, मैंने बैंक जो जो लिखा है देख देख कर लिखना है क्वेश्चन से। देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने बैंक में भी लिख दिया। अब कितने की जगह पे मैं आपको बताया था कि आंसर जो आपका है वो पुट अप कर दीजिए, 5 आया है ना, 5 वर्ष, यानी मैंने बैंक में 5 वर्ष के लिए, अब उसके बाद क्या लिख दीजिए, के लिए उसके बाद पैसा जमा किया था, पैसा जमा किया, ये हो गया था। ओके, तो ये आपका फाइनली यहां पर आंसर लिख सकते हैं, ये आपका प्रॉपर एक वे हुआ सवाल बनाने का, जिसमें आपको जो ये 5 मार्क्स का सम्स आता है फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। इसी बात पे एक लाइक और कर दीजिए, वीडियो में मजाक का भाई एक ही लाइक होता है। तो चलिए चलते हम लोग अगले सवाल पे बिना वक्त गवाए हुए। नंबर 13 है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने जो आपका मॉडल एक्टिविटी टास्क दिया गया था स्कूल से, जो लिख के जमा करना था एज ए प्रोजेक्ट के रूप में, मैंने देखा उसमें ये सवाल था, एग्जाम में भी ये सवाल आया हुआ है, तो आपको इसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बोलोगे मैंने तो सर किसी एग्जाम में नहीं देखा, बोर्ड के 4 इयर्स में कहां आया, सेंटअप में आया था, मैंने सेंटअप के पेपर में देखा था ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो आप इसे ध्यान से समझोगे, इस सवाल में थोड़ा दम है, इसको समझना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए सवाल क्या दिया गया है कि कोई मूलधन समान वार्षिक सरल ब्याज की दर से 7 वर्ष का मिश्रधन 7100 रुपया एवं 4 वर्ष का मिश्रधन 6200 रुपया प्राप्त हुआ है, तो मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज दर ज्ञात कीजिए, यानी मूलधन और वार्षिक सरल ब्याज इसका कितना होगा ये आपको ज्ञात करके बताना है। देखिए सवाल काफी अच्छा है, अच्छा सवाल है, अच्छा लेवल है इसका। यहां पर देखिए ये जो 7 वर्ष क्या है, ये जो 7 वर्ष
और ये जो चार वर्ष दिया गया है इसमें देखिए सात वर्ष में इसका मिश्रधन कितना हो गया है 7,100 रुपया और चार वर्ष में मिश्रधन क्या हो गया है 6,200 रुपया। यानी टाइम जब बढ़ा है तो मिश्रधन भी बढ़ गया है, टाइम कम है तो मिश्रधन भी कम हुआ है। इसका कहने का मतलब मेरा ये है, मैंने कहने का मतलब मेरा ये है कि इसमें ब्याज का डिफरेंस हो रहा है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, समय बढ़ेगा, उसका मूलधन का ब्याज भी तो बढ़ेगा। बस यही कंसेप्ट आपको समझ लेना है। देखिए लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए समय में अंतर लिख देंगे। समय में अंतर, समय में क्या हो गया अंतर, तो समय में अंतर देखिए ये एक सात था और एक चार था, माइनस कर दिया अंतर का मतलब यानी तीन वर्ष आया, ठीक है। और इसलिए मिश्रधन में अंतर, मिश्रधन में अंतर, देखिए मिश्रधन में आपका क्या हो गया अंतर, तो मिश्रधन में अंतर क्या हो जाएगा, एक 7,100 रुपया था और एक था 6,200 रुपया, इन दोनों को हम घटा देंगे तो 0,0 और 9 11 में से 2 गया 9 और यहां पर यानी 900 रुपया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है ये जो 3 वर्ष है ना और ये जो 900 रुपया है ये ब्याज है, एक तरह से क्या है ब्याज है, इसको हम लिख सकते हैं। अब आप एक वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए या आप इसको भी रख के आप बनाइएगा तो ये जरूर से जरूर सोल्व हो जाएगा। चलिए हम इसी को रख देते हैं, लेकिन हमें यहां से क्या करना होगा कि चार वर्ष का हमें ब्याज निकालना पड़ेगा या सात वर्ष का ब्याज निकालना होगा। देखिए ये तीन वर्ष का ब्याज मेरा इतना रुपया आ गया, देखिए चूंकि लिख सकते हैं तीन वर्ष का ब्याज, तीन वर्ष का ब्याज आपका कितना मिला है 900 रुपया। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों, आपको अभी पता चल जाएगा, सवाल को आगे बढ़ने दीजिए। इसलिए एक वर्ष का ब्याज कितना आ गया 900/3, इसलिए चार वर्ष का ब्याज आपका कितना आ गया 900/3 गुणे क्या हो गया चार, एक वर्ष का ब्याज कम होगा इसलिए बटा हुआ था, चार वर्ष का ब्याज ज्यादा होगा इसलिए गुणा हो गया। इसको इससे काट दिए 300 को 4 में गुणा किए कितना हो गया 1200 रुपया। यानी चार वर्ष का आपका ब्याज कितना आ गया 1200 रुपया और चार वर्ष का आपका मिश्रधन कितना था 6,200 रुपया। तो यहां से आप मूलधन निकाल सकते हैं, इसलिए मूलधन बराबर आपका क्या हो जाएगा मिश्रधन माइनस, मिश्रधन माइनस क्या हो गया ब्याज, तब का मिश्रधन कितना था 6,200 रुपया, इसमें से मैंने माइनस कर दिया 1200 रुपया, यानी कितना आया 5,000 रुपया। तो ये आपका क्या हो गया मूलधन आ गया, और यहीं पर आपका ये आंसर भी हो गया कि मूलधन यानी आपका 5,000 रुपया। अब एक और निकालना है इसके साथ साथ, वो क्या निकालना है आपको, इसका वार्षिक सरल ब्याज दर। तो ब्याज दर के लिए देखिए आपको क्या क्या मिल गया है, आप इतना तो नोट डाउन कीजिए, इसका अगले स्टेप हम लोग चलेंगे। और है कि हमें मिल क्या गया है, चूंकि मूलधन अब मिल गया है हमारा, मूलधन यानी 5,000 रुपया मिल गया है, ओके। हालांकि ये कैंसर भी हो रहा है, पूछा भी था सवाल में, चूंकि हमारा क्या मिला हुआ है समय, ये समय हम लोगों ने निकाला है, चार वर्ष हमको मिला हुआ है, ओके। और चूंकि ब्याज हमारा चार वर्ष का कितना रुपया मिला हुआ है 1200 रुपया, ये जो मैं 1200 रुपया लिखा था ये हो गया 1200 रुपया। और आपको निकालना है दर, सारी चीजें आपके सामने है, कुछ नहीं करना है, इसलिए का साइन दीजिए, दर लिखिए बराबर ब्याज गुणे 100, ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय, मूलधन गुणे क्या हो गया समय। तो देखिए इसका ब्याज कितना दिया गया है 1200 रुपया और गुणे 100 मैंने किया और ये मूलधन कितना हो गया इसका 5,000 रुपया और गुणे मैंने इसका समय, समय यानी हमारा दिया गया है चार वर्ष, 2,0 से 2,0 फिर 1,0 से 1,0, इसको इससे काटे यानी 24 दान में, सॉरी कितने दान में कटेगा ये 5×10 और 5×24 दान में, और ये इससे कटा 4×24 6 दान में यानी 6%। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 6% आएगा और एक आंसर क्या आ जाएगा 5,000। तो हम क्या लिख देंगे मूलधन, इसलिए मूलधन बराबर 5,000 रुपया एवं दर बराबर 6%, यही हो गया हमारा फाइनली आंसर। आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट समझता। तो चलिए चलते हैं आप अगले सवाल पर।
तो मैं इस वीडियो में बस इतना ही बता पाऊंगा, क्योंकि वीडियो जो है काफी लंबा हो जाएगा जो नेक्स्ट सवाल मैं करूंगा, तो मैं उस सवाल को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमारा चैनल ग्रोथ कर सके और मैं और उत्साहित होकर इस पर पढ़ा सकूं। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और अपने तैयारी को सुदृढ़ कीजिए, अच्छे से अच्छे स्कोर लाने का प्रयत्न कीजिए। 90+ नंबर आना चाहिए मैथ में इस बार, क्योंकि मैं तैयारी करवा रहा हूं आपका। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।